भुवनेश्वर सिविनबन ग्लोबल यूनिवर्सिटी रे उद्घाटित होची स्टार्टअप ईस्ट 2022 एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाव रे स्टार्टअप इंडिया रा अध्यक्ष ऋषिकेश मित्तल उपस्थित रही यार उद्घाटन करिसंती। सिविनबन ग्लोबल यूनिवर्सिटी रे यार एक स्थायी कैंपस मध्ये उद्घाटित होची। दुई दिन धरी चलिथिबा कार्यक्रम रे बहु उद्योगी शिक्षाविद छात्र छात्री एवं व्यवसायी थरे शामिल होइतिले। कार्यक्रम द्वारा ओडिसा रा छात्र छात्रि को दक्षता विकास सेवा सहित से माने नूतन कर्म नियुक्ति सृष्टि करि पारिबे बोली उपस्थित व्यवसायी कहिछन। पूरा इवेंट रो ऑब्जेक्टिव होची या जे आमे केमती आमर ओडिशा रो जो सब स्टार्टअप वर्टिकल्स अच्छे से इफेक्टिवली आगो केमती नहीं पार अन्य इकोसिस्टम रो सहायता नहीं एंड आम इकोसिस्टम रे भी केमती लोक मैंने स्टार्टअप उपर इन्वेस्टमेंट आरंभ करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जानवे कौ प्रकार करेंगे सो दैट आम स्टार्टअप लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं आगे जापरेंगे। भुवनेश्वर सिविनबन ग्लोबल यूनिवर्सिटी रे उद्घाटित होची स्टार्टअप ईस्ट 2022 एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाव रे स्टार्टअप इंडिया रा अध्यक्ष ऋषिकेश मित्तल उपस्थित रही यार उद्घाटन करिसंती। सिविनबन ग्लोबल यूनिवर्सिटी रे यार एक स्थायी कैंपस मध्ये उद्घाटित होची। दुई दिन धरी चलिथिबा कार्यक्रम रे बहु उद्योगी शिक्षाविद छात्र छात्री एवं व्यवसायी थरे शामिल होइतिले। कार्यक्रम द्वारा ओडिसा रा छात्र छात्री को दक्षता विकास सेवा सहित से माने नूतन कर्म नियुक्ति सृष्टि करि पारिबे बोली उपस्थित व्यवसायी कहिछन। पूरा इवेंट रो ऑब्जेक्टिव होची या जे आमे केमती आमर ओडिशा रो जो सब स्टार्टअप वर्टिकल्स अच्छे से इफेक्टिवली आगो केमती नहीं पार अन्य इकोसिस्टम रो सहायता नहीं एंड आम इकोसिस्टम रे भी केमती लोक मैंने स्टार्टअप उपर इन्वेस्टमेंट आरंभ करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जानवे कौ प्रकार करेंगे सो दैट आम स्टार्टअप लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं आगे जापरेंगे।